प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर अनम शेख को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक रिएक्शन के लिए जानी जाती हैं। और ये बात करेंगी कैसे पश्चिम बंगाल जो है वो पाकिस्तान बन चुका है और ममता सरकार के नीचे कैसे सबूतों को छिपाया जा रहा है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पाकिस्तानी देश में एक बेल्जियम की लड़की आती है, लोग उसके शरीर को ऐसे नोच रहे थे, भीड़ में ऐसे नोच रहे थे और एक गोदी से दूसरे गोद में, दूसरे गोद से तीसरे गोद में, और सब खान ड्रेस पहने हुए थे, कुछ ने दाढ़ी रखी हुई थी, कुछ ने टोपी लगाई हुई थी। और जैसे बच्चा अपने खिलौनों के साथ तोड़ मरोड़ करता है, वैसे ही मुसलमान पुरुष उस महिला के जिस्म के साथ खेल रहे थे। पर एक भी फतवा नहीं जारी हुआ। तो जब इस्लामिक देश में बलात्कार होता है तो एक भी मौलवी, मुल्ला, पीर, बाबा कोई बाहर नहीं आता है। उस इंटर्नी डॉक्टर का को रेप करने वाला, उसका बलात्कारी हिंदू है, वो अरेस्ट हुआ है और सारे लोग, सारी हिंदू महिलाएं, सारे हिंदू पुरुष कह रहे हैं कि वो बलात्कारी वो है। पर शर्म से नजर हमारी झुक रही है, क्योंकि अब हमें भी लग रहा है कि भाई उसको हमारे हवाले कर दो, हम उसको सजा दे देंगे। उसके नाक से खून निकल रहा था, उसकी वर्जाइना से खून निकल रहा था और बॉडी के अंदर से 158 ग्राम सेमेन पाया गया। 158 ग्राम, मतलब कि 8 से 10 लोगों ने उसका रेप किया एकदम साइमल्टेनियसली। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे बहुत घमंड है मेरे औरत होने पर, मुझे बहुत तकब्बुर है मेरे औरत होने पर। मैं वो औरत हूं जो एक इंसान होते हुए इंसान को जन्म देती हूँ। आपके पाकिस्तान में 17 रमजान के दिन मस्जिद के अंदर एक मौलाना साहब ने एक छोटे जो लड़का था, एक छोटा बच्चा का रेप किया था। तो रेप करने वाली जो मानसिकता होती है, उसके उसके लिए उसकी नजरों में सिर्फ उसके सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होते हैं, इसके अलावा कुछ। क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं अभी वेस्ट बंगाल में ही बैठी हुई हूँ, कोलकाता के और ममता बनर्जी के बहुत लाडले मंत्री हैं फरहाद हकीम साहब, जिनका अच्छा कनेक्शन द डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान से है। यहाँ तक के उनके मामूली से विधानसभा के इलेक्शन में भी द डॉन न्यूज़पेपर आ करके, भारत आ करके, पश्चिम बंगाल आ करके उनका कंपेनिंग और उनका इंटरव्यू लेता है, पाकिस्तान का द डॉन न्यूज़पेपर। अब आप सोचिए कि ममता बनर्जी के प्यारे दुलारे, लाडले मंत्री फरहाद हकीम का कितना खूबसूरत कनेक्शन पाकिस्तान से होगा, नवाज शरीफ से होगा और द डॉन से होगा, क्योंकि द डॉन न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा कनेक्टेड है नवाज शरीफ फैमिली से। और नवाज शरीफ ने द डॉन में को ही ये क्लियर किया था कि अजमल कसब पाकिस्तान का था और भेजा गया था भारत में, ये नवाज शरीफ ने द डॉन को ही बोला। तो उन्होंने बजाबते 2021 में फरहाद हकीम साहब ने, ममता बनर्जी के दुलारे प्यारे मंत्री ने कह दिया था कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। तो एग्जैक्ट मिनी पाकिस्तान की तरह ही यहाँ पर रेप होता है, यहाँ पर मर्डर होता है, यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है, यहाँ पर नशे का रैकेट चलता है, यहाँ पर हत्या होती है, यहाँ पर गैम्बलिंग होता है, यहाँ पर स्कैम होता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्योंकि सरकार ममता बनर्जी की है और ममता बनर्जी के सबसे दुलारे मंत्री फरहाद हकीम है और वो कोलकाता को मिनी पाकिस्तान घोषित कर चुके हैं। तो जो चीजें पाकिस्तान में होती हैं, वही सेम चीजें हमारे वेस्ट बंगाल में भी होती हैं। ये आपको शॉकिंग लगा कि ऐसी घटना हो गई? नहीं, ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में 2012 से हो रही हैं और 2012 से बलात्कारियों को बचाने का काम ये ममता सरकार करती आई है, हमेशा करती आई है। मेरे जुबान से आप लोगों ने हमेशा सुना होगा बलात्कारी नासिर खान, कादर खान,
आपने हमेशा सुना होगा, मैं हमेशा जिक्र करती हूँ। आपको पता है अनम, जब नासर खान कादर खान ने एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया था, तो मुसलमानों ने, पश्चिम बंगाल के और भारत के मुसलमानों ने उसको बॉयकॉट नहीं किया था, ना इस्लाम से बॉयकॉट किया था, ना समाज से बॉयकॉट किया। और जब वो रेमिशन ग्राउंड पर, दया दृष्टि पर, जब बहुत बड़े बड़े नेताओं की मदद से जब वो बेल लेकर के बाहर आ गया, तो उसने 5-स्टार होटल में अपनी शादी की, और पश्चिम बंगाल सरकार के कई नेता मंत्री उस बलात्कारी की शादी में गए, और मुसलमान मुसलमान अपनी बहू बेटियों को सजा करके, धजा करके उस शादी में बिरयानी खाने के लिए, बलात्कारी की शादी का बिरयानी खाने के लिए गए। ये है हमारे मुसलमानों का चरित्र। हमारे मुसलमान कम्युनिटी में जब हम संवैधानिक बात करते हैं, जब हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बात करते हैं, हम जब एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट बात करते हैं, एज अ फिसल ब्लोअर बात करते हैं, जब हम क्राइम को क्राइम बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं, तो हमारे ऊपर गुस्ताख रसूल का एक थप्पा लगाया जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान रेप करता है, गैंग रेप करता है, मर्डर करता है, लेकिन उसके लिए कोई फतवा भी जारी नहीं होता है, ना आपके पाकिस्तान में होता है, और ना ही हमारे वेस्ट बंगाल में होता है, और ना ही उसको इस्लाम से बेदखल किया जाता है, ना ही आपके पाकिस्तान में होता है, और ना ही हमारे वेस्ट बंगाल में होता है। तो जैसे आपके पाकिस्तान में अल कुरान और सुन्नत रसूल को ना मानने की कसम मुसलमानों ने खाया हुआ है, उसी तरीके से हमारे वेस्ट बंगाल में, भारत के इस वेस्ट बंगाल में, कुरान और सुन्नत रसूल को ना मानने की कसम खाए। जाहिर है डॉक्टर इंटर्नी, एक बेटी अपने घर से निकली टिफिन का, एक टिफिन लेकर के, और डॉक्टर होने के नाते लोगों को वो शफा देने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए 36 घंटे काम करने के बाद रात के 2 बजे अपना खाना खाती है, रात के 2 बजे आधे घंटे के लिए अपने शरीर को आराम देने के लिए एक सेमिनार हॉल में जाती। उस सेमिनार हॉल में उसके साथ वो हुआ जिसको बोलने से भी जुबान लड़खड़ाती है। गैंग रेप हुआ उसके साथ, उसके बदन की 47 हड्डियां तोड़ दी गई, उसका शरीर पूरे नंगे हालात में पाया गया। पोस्टमार्टम होते वक्त भी उसकी आंखों से आंसू, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके नाक से खून निकल रहा था, उसकी वर्जाइना से खून निकल रहा था, और बॉडी के अंदर से 158 ग्राम सेमिन पाया गया। 158 ग्राम, मतलब कि 8 से 10 लोगों ने उसका रेप किया एकदम साइमल्टेनियसली, एक हट रहा है, दूसरा कर रहा है, दूसरा हट रहा है, तीसरा कर रहा है, तीसरा हट रहा है, चौथा कर रहा है, चौथा हट रहा है, पांचवा कर रहा है, पांचवा हट रहा है, छठा कर रहा है, छठा हट रहा है, सातवां कर रहा है, सातवां हट रहा है, आठवां कर रहा है, आठवां हट रहा है, नौवां कर रहा है, नौवां हट रहा है, दसवां कर रहा है, ऐसे किया। और उसके बाद फिर उसके शरीर की 47 हड्डियों को तोड़ देने के बाद, उसका रेप और उसकी हत्या करने के बाद, आज जब उसके इंसाफ के लिए पूरी पूरी दुनिया खड़ी हो चुकी है, तो कोलकाता को मिनी पाकिस्तान बनाने वाले अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वो बच्चियों के चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेडी डॉक्टर्स, जो बच्चियां इंटर्नी हैं डॉक्टर, जो रोड पर प्रदर्शन कर रही हैं इंसाफ के लिए, जो अपनी भी सुरक्षा का डिमांड कर पश्चिम बंगाल की सरकार से, जो अपने भी सेफ्टी का डिमांड कर रही है, जो एक एक जस्टिस मांग रही है कि आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे लोगों पर एफआईआर कर रही है कि तुम चुप रहो, चुप रहना होगा, इंसाफ नहीं मांगना होगा, वो मर्द था, वो रेप कर सकता है, इसीलिए शायद चुप रहने बोला जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा
अनम शेख को कैसे जबरदस्त जवाब दिए नाजिया खान जी ने, और अपनी पर्सनल प्रतिक्रिया को भी एक्सप्रेस किया, जहां पे देखा आपने नाजिया खान जी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आई, जहां पे उन्होंने कोलकाता केस के बारे में बात करते हुए ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, और कैसे ममता बनर्जी की जो सरकार, जो पुलिस है, वहां का जो भी प्रशासन है, वो कैसे सबूतों को लगातार छिपाने की कोशिश कर रहा है। पर इसको लेके पूरे देश में आज रोष भी है और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और आपने देखा नाजिया खान जी ने यह भी डिक्लेयर कर दिया कि कैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से पाकिस्तान बना दिया, जहां पे पाकिस्तान से रिपोर्टर आके, पाकिस्तान के न्यूज चैनल आके ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं उनके इंटरव्यू लेते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।